नमस्कार, मैं स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं भारत। शुरुआत करते हैं टॉप 10 की बड़ी खबरों के साथ। दुकान मालिकों को नाम बताने की जरूरत नहीं, नेम प्लेट विवाद पर यूपी सरकार को लगा बड़ा झटका, एससी ने फैसले पर लगाई रोक। महाराष्ट्र में बड़ी सियासी हलचल, सीएम एकनाथ शिंदे से मिले शरद पवार, दोनों नेताओं के बीच सिंचाई और चीनी कारखानों से संबंधित मुद्दों पर हुई चर्चा। अब आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगे सरकारी कर्मचारी, मोदी सरकार ने 58 साल पुराने प्रतिबंध को हटाया। बांग्लादेश में पढ़ रहे 4,500 से अधिक भारतीय छात्र स्वदेश लौटे, नेपाल, भूटान और मालदीव के छात्र भी पहुंचे भारत। सेना में भर्ती किए गए 1,00,000 अग्निवीर, 70,000 को विभिन्न बटालियनों में किया गया तैनात, 200 महिलाएं भी हुई शामिल। कर्नाटक सरकार ने आईटी सेक्टर में प्रतिदिन 14 घंटे काम का रखा प्रस्ताव, कर्मचारी यूनियन की पुनर्विचार की अपील। यूपी में 3 आईएएस अफसरों के तबादले, मनोज कुमार बने अपर आयुक्त बरेली मंडल। पेपर लीक के बाद यूजीसी नेट पर नहीं थम रहा विवाद, यूजीसी नेट की पुनः परीक्षा पर रोक लगाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में याचिका की गई दाखिल। उज्जैन में महाकाल की निकली सवारी, 2,00,000 भक्तों ने किए दर्शन, वाराणसी में मुस्लिमों ने कांवड़िया पर बरसाए फूल। लोगों को उमस और चिपचिपाती गर्मी से मिलेगी राहत, दिल्ली एनसीआर समेत 6 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। टॉप 10 की खबरों में फिलहाल इतना ही, आगे की खबरों को देखने के लिए देखते रहें एन भारत। नमस्कार।